Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh और आप जुड़े हुए हैं Smart Learning Academy चैनल के साथ। तो मैं आपको बता दूं, Smart Learning Academy आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, Smart Learning Academy लेके आया है कई सारे क्रैश कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टिप सीरीज। सो लॉट्स ऑफ सीरीज आर देयर, सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बाई वन वीडियोज और वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस इन दो सीरीज फर्दर इन नेक्स्ट सम वीक्स और सम मंथ्स। सो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं कि आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के साथ, तो ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। क्रैश कोर्स में ध्यान रखे रहिएगा कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है, 10 बजे जनरली लाइव किया जाता है वो एक वीडियो। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि 10 बजे जब भी वो वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकें। ये क्रैश कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ मूव करेंगे। व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेल्स और किस तरीके से आपको लर्न करना है उन चीजों के बारे में। सो सेल ऑर्गेनेल्स कई प्लाज्मा सेल्स के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज अ डायग्राम, अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे, ठीक है, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइसोजोम्स हो सकते हैं, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, फिर राइबोसोम्स हैं, आप राइबोसोम्स देख सकते हैं, फिर लाइसोसोम्स देख सकते हैं, लाइसोसोम्स देख लीजिए, सेंट्रियोल देख लीजिए, फिर सेंट्रोसोम्स है, पराक्सीसोम्स है, गॉल्गी अपैरेटस है, गॉल्गी अपैरेटस गेट में। लेकिन कौन सा ऑर्गेनेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे सी हियर, ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जो परफॉर्म करता है, न्यूक्लियस परफॉर्म करता है क्या, होस्टिंग ऑफ द, ये हाउसिंग द डीएनए और ब्रेन ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है इस पर्टिकुलर पार्ट को। दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ये है ब्रेन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। गॉल्गी अपैरेटस सॉर्टिंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है प्रोटीन का। दिस इज फॉर द सॉर्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन्स, लिपिड एक्सप्रेशंस, इन सब के लिए होता है, प्रोटीन्स और लिपिड की सिंथेसिस करता है और प्रोसेसिंग करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। फ्लैजेलम लोकोमोशंस के लिए होता है, सेंसरी फंक्शंस के लिए होता है। वैक्यूल्स स्टोरेज एंड मेंटेनेंस द होम्योस्टेसिस, इसके लिए यूज होता है। लाइसोसोम्स डाइजेशन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स। पराक्सीसोम्स हाइड्रोजन परोक्साइड के डिग्रेडेशन के लिए होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, एंड प्रोटियोसोम जो होता है वो ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन विद द एक्सपायर्ड फंक्शन। दीज आर द सम बेसिक फंक्शंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे, वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है, एंड परफोरेटेड बाय द न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं। ज्यादातर जो ये होता है हाउस ऑफ द डीएनए, डीएनए कंटेन करता है, न्यूक्लियाई कंटेन करता है। राइबोसोम जो होता है वो टू सब यूनिट का बना होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ ईआर होते हैं, सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स के लिए यूज किए जाते हैं, मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम स्टोरेज के लिए होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो सिंथेसिस ऑफ द सिक्रेटरी एंड अदर प्रोटीन्स के लिए होता है, बेसिकली ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स के लिए होता है, प्रोड्यूसेस द न्यू मेम्ब्रेन्स, ये भी काम करता है आपका ईआर। गॉल्गी अपैरेटस जो होता है स्टैक्स एंड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस होता है, पोलैरिटी, इसके पास पोलैरिटी होती है, मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन का, मॉडिफाई करेगा प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को, या सिंथेसिस करता है मेनी पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स की सिंथेसिस करता है और प्रोटीन की सॉर्टिंग भी करता है, प्रोटीन की सॉर्टिंग भी करता है।
कुछ अदर फंक्शन जो अदर ऑर्गेनेल्स है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था लाइसोसोम्स के बारे में बात करते हैं, मेम्ब्रेनस सैक ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मेम्ब्रेनस सैक के बारे में बात करेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ द इंजेस्टेड सब्सटेंसेस सेल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ब्रेकडाउन करता है ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो डाइजेशन या स्टोरेज ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल में काम आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन में, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, और पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो जो पेरोक्साइड्स एंट्स होते हैं उनको रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, उन्हीं चीजों के बारे में है, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, कई सारे बॉडीज होती हैं, कुछ अलग अलग बॉडीज अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। सो यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलाई ये किसको कंटेन करता है, न्यूक्लियोलाई जो कंटेन करता है वो करता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो होता है, आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए उसको स्टोर करता है, उसकी सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में, राइबोसोमल आरआरएनए यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। और इसके अलावा जो कई सारे बॉडीज होती है जैसे काजल बॉडीज न्यूक्लियस में पाया जाता है, पीसीजी बॉडीज पाया जाता है, पीएमएल बॉडीज पाए जाते हैं, ये सारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और क्रोमेटीन क्रोमोजोम तो पाया ही जाएगा, ये सारा न्यूक्लियस में पाया जाता है। राइबोसोम्स दो तरीके के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम 30S होता है और 50S में डिवाइडेड होता है, 30S का एक छोटा सब यूनिट होता है जो होता है 16S और 50S का छोटा सब यूनिट होता है 23 और 5S। ये होते हैं 70S, 80S के दो यूनिट होते हैं 40 और 60। S क्या है, S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, तो ये स्वेडबर्ग यूनिट होता है जो कि S उनके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, वो एक यूनिट होता है इस पर्टिकुलर राइबोसोम का। फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फंक्शन जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दो तरीके के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, एक पाए जाते हैं फ्री, एक पाए जाते हैं बाउंड। फ्री जो राइबोसोम्स बनाता है वो सेल में ही यूज होता है, ओनली सेल के लिए ये बनाता है, और जो बाउंड बनाता है वो सिक्रेटरी पर्पज के लिए होता है, सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर द एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल और यूज इन द लाइसोसोम्स। ठीक है, इसलिए बनाता है बाउंड राइबोसोम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अभी मैंने बताया कि SER और RER ये सारी चीजें होती हैं। RER का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रिकर्सर ऑफ द लाइसोसोम्स, लाइसोसोम को बनाता है और SER को भी बनाता है। लाइसोसोम्स, गॉल्गी, इन सब चीजों को जो अदर ऑर्गेनेल्स बनते हैं आपके, किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो बनाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। लेकिन SER जिसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बनता किससे है, वो बनता है RER से, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस हो गया, उसके बाद ऑर्गेनेल्स के सिंथेसिस जैसे लाइसोसोम्स, स्टेरॉइड का मेटाबोलिज्म है, कैल्शियम डिपोजिशन या कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद कुछ कोटेड वेसिकल्स होते हैं, किस कोट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्लैथरीन अगर एपी है तो वो क्या होता है, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स से इंडोसोम में जाता है, एपी टू होता है तो वो जाता है कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंडोसोम में। अगर कॉप वन जा रहा है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स टू ER और गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, और कॉप टू होता है तो ER टू गॉल्गी कॉम्प्लेक्स जाता है। ये ट्रांसपोर्ट होता है ER के बारे में, कैसे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाना है क्योंकि गेट में इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, ये इंपॉर्टेंट होता है ज्यादातर CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रख रहिएगा, अगर ER से जब गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं, जब गर्लफ्रेंड के पास जाएंगे तो पैसा बहुत होगा, ER टू गॉल्गी जाएंगे तो दुगना पैसा होगा, और गॉल्गी से ER जाएंगे तो एक आधा हो जाएगा उसका, वन बचेगा। सो दैट इज व्हाट GER टू गॉल्गी, और जी से मतलब GF, याद रखे रहिएगा, अपने आप याद रहेगा। ठीक है, सो ये कॉप टू कॉप वन जो होता है, ये कॉप वेसिकल्स यूज किए जाते हैं, दैट इज व्हाट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेसिकल्स या फॉर द सॉर्टिंग ऑफ द प्रोटीन। गॉल्गी अपैरेटस का काम होता है मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन जनरली कई सारे मॉडिफिकेशन करता है ये, जैसे रिमूवल ऑफ द मैनोज, कौन से करता है, रिमूवल ऑफ द मैनोज, मैनोज का रिमूवल करता है, रिमूवल ऑफ दैट इज व्हाट गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोज और गैलेक्टोज करता है, गैलेक्टोज करेगा नाना, एडिशन ऑफ द गैलेक्टोज नाना, इन सब का एडिशन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होती है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ पार्ट होते हैं जो कि, और अगर हम बात करें लाइसोसोम्स के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में बात करें तो लाइसोसोम जो होते हैं एपोप्टोटिक सेल डेथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपेयर के लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, डिग्रेडेशन के लिए होता है, माइक्रोबियल किलिंग के लिए होता है, साइटोटॉक्सिक किलिंग के लिए होता है, सेल एडिशन के लिए होता है। ये कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे पूछे
जाते हैं। सो लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं कभी कभी पूछे जाते हैं, इस ग्राफ इस डायग्राम में मैंने लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स बताया हुआ है, इसका एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कोड को याद रखिएगा, पहली चीज कि एक दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है LAMP, एक होता है LIMP, ठीक है। ये जो दोनों प्रोटीन होते हैं, लैंप जिसको बोलते हैं लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये प्रोटीन जो होता है लाइसोसोम से रिलेटेड होता है। लैंप प्रोटीन इज रिलेटेड टू द लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम से रिलेटेड होता है। इसमें कोड है हितेश अपनी गर्लफ्रेंड को GG Mall में जाकर जी के सुनाया। हितेश अपनी गर्लफ्रेंड को जीजी मॉल में जाके जीके सुनाया। दिस इज द कोड, कैसे कोड को इंटरप्रेट करना है, मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज व्हाट द हेक्सोअमीडेज, ठीक है। हेक्सोअमीडेज वो क्या करेगा, टी मतलब टेसैक डिजीज, हेक्सोअमीडेज से टेसैक डिजीज हो जाएगा। जीएफ का मतलब है, दैट इज व्हाट द गैलेक्टोसाइडेज एफ फैब्री डिजीज, ये इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है जीजी मॉल का मतलब ग्लूकोज सेरेब्रोसाइडेज, और वो कहां पे करेगा, दैट इज द सी गाउचर डिजीज, ग्लूकोज सेरेब्रोसाइडेज और गाउचर डिजीज। उसके बाद एराइल सल्फेटेज है, दैट इज व्हाट एराइल सल्फेटेज किससे जुड़ेगा, वो जुड़ेगा एराइल सल्फेटेज दैट इज विद द मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, ठीक है। एराइल सल्फेटेज जो जुड़ता है वो मेटाक्रोमेटिक, यहाँ पे देखिएगा एराइल सल्फेटेज जुड़ रहा है मेटाक्रोमेटिक से, ये यहाँ पे जुड़ रहा है मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी से। उसके बाद जी के गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज के से जुड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्रैबर डिजीज, और स्फिंगोमाइलिनेज जो कि जुड़ेगा नीमैन पिक डिजीज, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप लोग लर्न करना चाहे इस इमेज जो होते हैं स्लाइड्स को रिमेम्बर करने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता ही चुका हूं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन के लिए होता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के तीन फॉर्म्स होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट फॉर द स्टोरेज होता है, ल्यूकोप्लास्ट फॉर द स्टोरेज होता है, जिसमें होता है एक इलायोप्लास्ट होता है, एक एमाइलोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, इलायोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट। सो अमाइलो फॉर द स्टार्च होता है, ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, इलायो जो होता है वो लिपिड के लिए होता है। सो इस तरीके से कई पार्ट होते हैं। क्रोमो इज फॉर द कलर एंड क्लोरोप्लास्ट इज फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड भी तीन तरीके के होते हैं, ल्यूको क्रोमो एंड क्लोरो। क्लोरो जो होता है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स दो चीजों का बना होता है, अल्फा और बीटा। इज इट बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, सेल मोटिलिटी एंड ऑर्गेनल मूवमेंट के लिए होता है। माइक्रोफिलामेंट जिसमें एक्टिन फिलामेंट आता है, एक्टिन फिलामेंट का फंक्शन जो होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन में ज्यादातर रोल प्ले करता है, और ये सेल डिवीजन में भी रोल प्ले करता है, जहां पे फरो का फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस में। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है ये ज्यादातर एंकरेज या न्यूक्लियर लैमिना या ये सेल शेप में भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे फंक्शंस थे जो कि आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे थे। हे गाइस, होप कि आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के। अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको एक सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकूँ और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को। सो आप लोग भी थोड़ा सा इस पर हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि सबको ये चीजें फ्री में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। CSIR नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSIR नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। Thank you.